Welcome to Brain Manual FAT Program, Fingerprint Analyst Training Program, Module 5. इस मॉड्यूल में हम फिंगरप्रिंटिंग के जो बेसिक्स हैं उनके लेवल 2 के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनर्जी और पोटेंशियल क्या होता है और उनके अंदर फिंगरप्रिंट्स के अंदर क्या रिलेशन होता है. एनर्जी को हम ये मानते हैं कि ये आपकी एबिलिटी है चीज़ों को ड्राइव करने की और एग्जीक्यूट करने की, और पोटेंशियल आपकी एबिलिटी है चीज़ों को सीखने की इंथुसियास्टिकली. अब अगर आपने देखा हो, नॉर्मली ये ऐसा ही पाया जाता है कि जो आदमी चीज़ों को ड्राइव कर सकता है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीखने में विश्वास नहीं करता, और जो सीखने में विश्वास करता है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं करता. मतलब कि जो आदमी बेचता है वो बनाता नहीं है, और जो बनाता है वो बेच नहीं पाता है चीज़ों को. इसीलिए एनर्जी और जो पोटेंशियल होते हैं वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. मतलब अगर एनर्जी किसी बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी सीखने की काबिलियत कम होगी, अगर उसके अंदर सीखने की काबिलियत ज़्यादा है तो उसके अंदर लगाने की काबिलियत कम होगी. तो यही जो एक फिलॉसफी है या लॉ है ये फिंगरप्रिंट्स के अंदर यूज होगा. कैसे? सबसे पहले हम आपको बताएंगे किस किस तरह के फिंगरप्रिंट पैटर्न्स या उनके कोड्स हम यूज़ करेंगे. सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सिंपल आर्क, इसे हम कहते हैं AS. फिर आएगा टेंटेड आर्क, TA. ये दोनों कैटेगरी जो होती हैं वो आर्क्स की होती हैं. फिर आएगा लूप, जिसे हम L के नाम से एब्रीविएट करते हैं. फिर आएगा रिवर्स या रेडियल लूप, जिसे हम RL के नाम पे करते हैं. ये लूप की कैटेगरी में आते हैं. फिर आता है वर्ल पीकॉक, WP, रिवर्स वर्ल पीकॉक, RWP, वर्ल डबल लूप, WDL, वर्ल कॉम्पोजिट, WC, वर्ल स्पायरल, WS, वर्ल स्पायरल इलोंगेटेड, WSE, वर्ल टारगेटेड, WT, वर्ल टारगेटेड इलोंगेटेड, WTE. ये सारी वर्ल्स की कैटेगरी होती है. अगर हम आर्क से वर्ल्स की तरफ मूव करते हैं तो पोटेंशियल हाई से लो जाता है. मतलब आर्क के अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है और वर्ल्स के अंदर सबसे कम पोटेंशियल होता है. आर्क के अंदर सीखने की कला ज़्यादा होती है, इसलिए आपको बताया गया था पिछले मॉड्यूल्स के ये कारीगर बहुत अच्छे थे, ये कला को सीखने में रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं. लेकिन अगर हम वर्ल्स से आर्क की तरफ जाएं तो हम देखेंगे कि एनर्जी हाई से लो हो जाएगी. मतलब वर्ल्स राजाओं की कैटेगरी होती थी, इर्क के लिए इनके अंदर लगाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है. इनके अंदर एनर्जी ड्राइव इंथुसियाज्म इतना स्ट्रांग होता है कि ये चीज़ों को प्रैक्टिकली करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ना कि सीखने में. तो ये कर करके ज़्यादा सीखते हैं, जबकि आर्क्स लोगों को देखकर ही सीख जाते हैं. उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ ले लेकर सीखना नहीं पड़ता, वो तकलीफ लेते हैं काम को लगाने में, एजुकेशन को यूज़ करने में. और ये वर्क जो है वो एजुकेशन एक्वायर करने में ही टाइम ज़्यादा लेते हैं. लेकिन अगर एक बार एजुकेशन एक्वायर कर लेते हैं तो फिर आँख बंद करके लगा सकते हैं. इसीलिए अगर राजाएं एक बार ट्रेन हो जाएं तो फिर बहुत बढ़िया उस तरीके का यूज़ कर सकते हैं. इसलिए राजाओं की ट्रेनिंग भी राजाओं की तरह होती है, उनकी ट्रेनिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है. एक बार ट्रेंड हो गए तो आंख बंद करके भी चीज़ों को कर सकते हैं. अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंपल आर्क क्या होता है. सिंपल आर्क में जैसे आपको बताया था कि आर्क के अंदर जो एक लाइन जाती है एक आती है, ये बेसिकली ऐसा मान लीजिए छोटे से पहाड़ हैं जिनके अंदर एक फ्लैट टाइप का पैटर्न है, चीज़ आई और गई, आई और गई. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, सिंपल चीज़ आती है और चली जाती है. अब हम बात करेंगे टेंटेड आर्क के अंदर. तो टेंटेड आर्क और अगर सिंपल आर्क की डिफरेंस देखें तो टेंटेड आर्क के अंदर जो शेप बनती है पीक का, जो ए शेप बना हुआ है तीखा सा, वो ज़्यादा तीखा है एज कम्पेयर टू सिंपल आर्क में. तो सिंपल आर्क में पीक जो होती है वो फ्लैटेंड होती है, दबी दबी सी होती है. टेंटेड आर्क में वही चीज़ एकदम पीक मार जाती है, एक टेंट शेप में आ जाती है. तो अब आप कुछ सैंपल्स देखेंगे जो टेंटेड आर्क कहे जाते हैं. इसमें अगर आप देखिए, फिर पीक ने हल्का सा शेप मारा हुआ है. पहले वाले टेंटेड आर्क में देखिए आप, छोटा सा डेल्टा बना हुआ है, इसमें कोई डेल्टा नहीं है. इसमें एक सिंपल सी अगर ए शेप पीक लग रही है तब भी ये टेंटेड आर्क में आएगा. ये बहुत तीखी पीक है, ये भी टेंटेड आर्क में आएगा. अब आप यहाँ पर देखिए, एक तो पीक जा रही है ऊपर और नीचे एक बेस बना हुआ है, जिसे टी शेप में अगर आप देखें बेस बना हुआ है, तो ये शेप को हम डेल्टा कहते हैं. तो टेंटेड आर्क के अंदर हो सकता है कि डेल्टा हो सकता है कि ना हो, लेकिन पीक होना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे आप देखिए एक और एग्जांपल में कि पीक और डेल्टा दोनों आपको दिखेंगे. अब हम बात करेंगे लूप्स के अंदर. तो लूप्स में जैसे आपको बताया गया था पिछले मॉड्यूल्स में कि रिज आती है ऊपर के, घूम के वापस चली जाती है.
तो जो हमने रेड में हाईलाइट किया गया है उसे हम कहते हैं कोर, मतलब सबसे आखिरी वाली रिज अंदर की जिसने यू टर्न लिया है, और जो वाई शेप में दिखाया गया है उसे हम कहते हैं डेल्टा, जो येलो कलर में हाईलाइट किया गया है। अब आर्क्स में कोई डेल्टा कोई कोर नहीं होता, इसलिए वहां पे कोई रिज काउंटिंग नहीं होती। अब लूप्स में क्या किया जाता है कि जो आपका डेल्टा है जहां पे वाई बन रहा है उस पॉइंट को कोर की जो टिप है सेंटर की, जो आपको ब्लू लाइन से दिखाई गई है यहां पे, उसके दोनों को कनेक्ट करते हुए हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, और उस लाइन को कट करने वाली जितनी भी बीच में लाइन आती हैं हम उनको काउंट कर लेते हैं, और उसे हम कहते हैं रिज काउंट। तो अगर मान लीजिए इस पॉइंट से डेल्टा से लेके अगर मैं कोर तक जाऊं और बीच में 20 लाइनें आती हैं, तो सारी की सारी काउंट करके हम टोटल लिख देंगे कि रिज काउंट उसका 20 है। तो इस तरह से हम लूप का रिज काउंटिंग करते हैं। अब लूप की जो एक सबसे जरूरी जो खासियत ये है कि अगर आप अपना राइट हैंड आगे रखें तो अगर जो डेल्टा है वो थंब की साइड पे बन रहा है, जैसे अगर आप देखें कि जो डेल्टा बना हुआ नीचे फिगर पे जो वाई शेप बनी हुई है वो राइट हैंड के थंब की साइड की तरफ है, तो उसे हम कहते हैं लूप है। उसी तरह अगर लेफ्ट हैंड का डेल्टा, लेफ्ट हैंड की किसी भी फिंगर पे अगर कोई इंप्रेशन बना हुआ है वो लूप है, और अगर वो वाई शेप जो डेल्टा बनी हुई है वो थंब की तरफ ही आती है तभी उसको लूप कहा जाएगा। अगर यही डेल्टा जो है राइट हैंड का, अगर मान लीजिए डेल्टा अगर वो लिटिल फिंगर की तरफ चला गया, मतलब आपके थंब की तरफ ना होके उल्टी डायरेक्शन में चला गया, तो हम कहते हैं रिवर्स लूप है। रिज काउंटिंग बिल्कुल सेम तरीके से होगी, डेल्टा से कोर तक एक लाइन खींचे, इमेजिनरी लाइन खींचे, और जो भी रास्ते में रिजेस आती हैं उनको सबको काउंट कर लें। वही लेफ्ट हैंड का अगर डेल्टा लिटिल फिंगर की तरफ आता है तो हम ये कहते हैं कि आपका जो लूप है वो रिवर्स लूप है। लेकिन ये जरूर याद रखें कि जब भी आप हाथ रखें तो आपका जो पाम है वो स्क्रीन की तरफ फेस करें, तो आप पाम की बैक साइड देख रहे हो, और तब आप देखेंगे डेल्टा किस तरफ है, लिटिल फिंगर की तरफ है या थंब की तरफ है। अब वर्ल पीकॉक में क्या होता है कि लूप से हम वर्ल की कैटेगरी में मूव होते हैं, तो यहाँ पे लूप के अंदर वर्ल होता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे जो रेड पोर्शन हाईलाइट किया गया है वहां पे जो रिज है वो गोल गोल घूमनी शुरू हो गई है, तो वर्ल्स में आ गए हैं हम लूप को छोड़ के। तो इसलिए इनके अंदर दो डेल्टा होते हैं, एक ब्लू में हाईलाइट किया गया है, एक येलो में हाईलाइट किया गया है। तो जो डेल्टा बड़ा होता है, बड़ा मतलब जिसका डिस्टेंस कोर से बहुत ज़्यादा होता है, उसे हम कहते हैं बड़ा डेल्टा। तो जिस तरफ फ्लो दिख रहा है अभी भी हल्का फुल्का, उसे हम उस तरफ हम कहते हैं कि छोटा डेल्टा है। अगर आपका बड़ा डेल्टा अंगूठे की तरफ है, जैसे मान लीजिए अभी हम लेफ्ट हैंड को देख रहे हैं, अगर ये डेल्टा अंगूठे की तरफ है बड़ा वाला डेल्टा, तो हम ये कहते हैं कि ये वर्ल पीकॉक है। अगर अब हम राइट हैंड की बात करें तो इसमें भी दो डेल्टा हैं, लेकिन अगर बड़े वाला डेल्टा थंब की तरफ है तो हम उसे कहते हैं वर्ल पीकॉक। तो थंब की तरफ बड़ा वाला डेल्टा होना चाहिए तभी वो वर्ल पीकॉक की कैटेगरी में जाया जाएगा। अब वर्ल पीकॉक को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए, कई बार क्या होता है कि सेंटर में जो वर्ल होता है वो बहुत छोटा होता है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि ये वर्ल है दूसरी कैटेगरी का वर्ल है या वर्ल पीकॉक ही है। तो वर्ल पीकॉक की सबसे खासियत ये है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि एक रिज एंटर की और गोल घूमकर वापस आ गई, लेकिन सेंटर में एक वर्ल भी है। तो अगर रिजिज यू टर्न ले रही हैं अभी भी जो लूप में लेती हैं, अगर एक या दो रिजिज यू टर्न ले गई और बीच में वर्ल है, तो वो वर्ल पीकॉक की कैटेगरी में ही आएगा। और जिस तरफ लूप का फ्लो चल रहा है या जिस तरफ रिज ने यू टर्न लिया है उसके ऑपोजिट जो डेल्टा होता है जिसे हमने येलो में हाईलाइट किया है, वो डेल्टा बड़ा माना जाता है, और हमें रिज काउंट उसी की तरफ से करना होता है, छोटे की तरफ से नहीं। और वो डेल्टा जो होता है वो थंब की तरफ होना चाहिए तभी हम उसको वर्ल पीकॉक कहेंगे। अब अगर हम रिवर्स वर्ल पीकॉक की बात करें, तो जैसे हमने आपको बताया था कि बड़ा वाला डेल्टा लेना है हमने वर्ल पीकॉक के अंदर, तो इसमें अगर आप देखें जो बड़ा वाला डेल्टा है वो लिटिल फिंगर की तरफ है, वो अब थंब की तरफ नहीं रहा। तो अगर ये उल्टा हो जाए तो हम इसे कहते हैं रिवर्स वर्ल पीकॉक, मतलब जो आपका छोटा वाला डेल्टा था वो थंब की तरफ चला गया, जो बड़ा वाला डेल्टा था वो लिटिल फिंगर की तरफ चला गया। तो अब ये वर्ल पीकॉक की कैटेगरी नहीं रही, ये रिवर्स वर्ल पीकॉक बन गया। अब अगर आपका जो फ्लो है, अब रिवर्स वर्ल पीकॉक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिज है वो यू टर्न मार रही हो तब तक वो वर्ल पीकॉक रहेगा, अगर वो रिज यू टर्न नहीं मार रही है तभी वो वर्ल की दूसरी कैटेगरी में जाएगा, नहीं तो वो
वर्ल पीकॉक ही रहेगा। लेकिन अगर जो फ्लो है और फ्लो के उल्टे वाला जो डेल्टा है, बड़ा वाला डेल्टा, अगर वो लिटिल फिंगर की तरफ है तो वो रिवर्स होगा। इस तरह से हम बड़े डेल्टे से कोर तक एक लाइन खींचेंगे इमेजिनरी, और जितनी लाइन बीच में काटेंगे उन सबको काउंट कर लेंगे। तो इस तरह हम रिच काउंटिंग करते हैं। सिमिलरली अगर आप इस फिगर में भी देखें तो जो बड़ा डेल्टा है वो लिटिल फिंगर की तरफ है लेफ्ट हैंड की, तो इसलिए ये भी रिवर्स बल पीकॉक की कैटेगरी में चला जाएगा। अब हम नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ल डबल लूप। इसमें अगर आप देखें तो दो लूप आपस में ओवरलैप कर रहे हैं जो आपको रेड में दिखाए गए हैं। तो वर्ल डबल लूप में क्या होता है कि दो लूप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं और इनके अंदर दो लूप होते हैं, इसलिए दो कोर होती हैं, दो डेल्टा होती हैं। अगर आप लेफ्ट की फिगर देखें तो लेफ्ट डेल्टा और जो कोर उसके पास, सबसे पास वाली जो कोर है उससे हम नाप के रिच काउंटिंग करते हैं, और जो इधर वाला डेल्टा है और दूसरे वाली जो कोर है उससे हम एक लाइन ड्रॉ करके उसका रिच काउंट नाप करते हैं। तो दोनों साइड काउंट करने पे जो साइड से रिच काउंट ज़्यादा आएगा हम उसी को लिखेंगे। मान लीजिए लेफ्ट साइड से रिच काउंट किया तो 15 आया और राइट साइड से काउंट किया तो 12 आया, तो हम 15 लेंगे उस फिंगर के लिए। तो ये एक और फिगर है जो आपको बताने के लिए कि डबल लूप कैसे फॉर्म होते हैं, दो लूप्स एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। ये एक और एग्जाम्पल है बताने के लिए कि दो लूप्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, डबल लूप्स। अब हम आते हैं दूसरे पैटर्न पे जिसे हम कहते हैं वर्ल कॉम्पोजिट। तो डबल लूप में आपने देखा था कि दो अलग अलग लूप आते हैं और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि दो फ्लो आते हैं अलग डायरेक्शन से, एक मान लीजिए लेफ्ट साइड से आया, एक राइट साइड से आया, और दोनों सेंटर में आके एक हो गए। तो डबल लूप और कॉम्पोजिट में फर्क क्या है कि यहाँ पे डेल्टा दो होते हैं लेकिन सेंटर एक होता है और फ्लो दो डायरेक्शन से आता है। जबकि डबल लूप में आप देखेंगे दोनों लूप एक दूसरे के अंदर ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन इसके अंदर प्रॉपर एक दूसरे के अंदर आके मर्ज हो गए हैं। तो आप देखेंगे एक फ्लो लेफ्ट साइड से आया, दूसरा राइट साइड से आया और दोनों मर्ज हो गए। इसकी रिच काउंटिंग हम कैसे करते हैं कि जो लेफ्ट का डेल्टा है उसको कोर तक लेके जाएं, लाइन खींचें और जितनी भी लाइंस बीच में आती सब काउंट कर लें। उसी तरीके से राइट से काउंट करें और जिस तरफ रिच काउंट ज्यादा होगा उसको हम लिख लेंगे, छोटे वाले को छोड़ देंगे। ये एक और फिगर है जो आपको बताती है कि वर्ल कॉम्पोजिट कैसे होता है। अगर आप देखें थोड़ा सा लंबा है ये, पहले वाले से ज्यादा कंफ्यूजन है इसके अंदर, लेकिन आप देखोगे तो पैटर्न आया गया और सेंटर पे घूम गया, फिर उस पे से निकला और वापस बाहर निकल गया। तो कॉम्पोजिट में दो फ्लो होते हैं। ये एक और एग्जाम्पल है कॉम्पोजिट शो करने के लिए कि किस तरह से कॉम्पोजिट पैटर्न बनता है। ये एक और एग्जाम्पल है वर्ल कॉम्पोजिट का। तो इस तरह से वर्ल कॉम्पोजिट आता है। अब हम बात करेंगे वर्ल स्पाइरल का। तो इसमें अगर आप फिगर में देखें तो सेंटर से जो रिज शुरू हुई वो अब गोल 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 अपने ऊपर ही घूम रही है। कॉम्पोजिट में क्या होता है कि वो घूमती और बाहर निकल जाती है, वो अपने ऊपर बार बार गोल गोल नहीं घूमती। जैसे आप यहाँ पर देखें रिज सेंटर शुरू हुई और बाहर निकल गई, लेकिन इसमें क्या होता है रिज बार बार एक दूसरे के अंदर ऊपर घूमती रहती है। तो कॉम्पोजिट और स्पाइरल में लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसलिए ये ढंग से समझें कि कॉम्पोजिट में कभी भी रिज बार बार ऊपर नहीं घूमती अपने, वो शुरू होती है सेंटर से शुरू हुई और बाहर निकल जाती है। जबकि स्पाइरल में क्या होता है कि वो बार बार अपने ऊपर घूमती रहती है, तो एक राउंड शेप बना लेती है। तो स्पाइरल में भी एक सेंटर होता है और दो डेल्टा होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो लेफ्ट और राइट से दोनों से रिच काउंटिंग करें, एक इमेजनरी लाइन खींचें, लाइंस का काउंट करें और जिस डायरेक्शन से बड़ा होगा रिच काउंट वो लिख लें। तो इसे स्पाइरल कहते हैं। एक और एग्जांपल स्पाइरल की अगर आप देखें, इसमें भी रिच अपने ऊपर घूम ही रही है बार बार। अब नेक्स्ट पैटर्न पे हम मूव करते हैं, वो है वर्ल स्पाइरल इलॉन्गेटेड, WSE। इसमें क्या होता है कि जो स्पाइरल हमने देखा था पिछली फिगर में जो गोल गोल घूम रहा था, इसमें जो फिगर्स है वो कॉम्पैक्ट हो जाती हैं और लंबी हो जाती हैं, जैसे किसी ने पकड़ के खींच दिया हो, एक लंबा कर दिया हो, इलॉन्गेट कर दिया हो। तो ये भी स्पाइरल ही होता है लेकिन लंबे होते चलते हैं। आप देखिए जो लाल वाला सेंटर है बीच में वो एक डायरेक्शन पकड़ा हुआ है नीचे को, तो इसलिए इसे कहते हैं इलॉन्गेटेड, ये लंबा हो गया। तो इसका भी रिज काउंट वैसे ही होगा, दोनों डायरेक्शन से काउंट करें, जो बड़ा है वो लिख लें। ये एक और एग्जाम्पल है वर्ल स्पाइरल इलॉन्गेटेड का। इनको कई बुक्स में प्रेस्ड वर्ल्स भी बोला जाता है, तो इसलिए उसमें कंफ्यूज ना हो, इसको हमने स्पाइरल इलॉन्गेटेड की कैटेगरी में लिया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो एक सेंटर नहीं है, दो सेंटर हैं लेकिन अपने ऊपर घूमते ही जा रहे हैं, एक पिन की शेप है ये।
इसको भी स्पाइरल एलोंगेटेड ही बोला जाता है। रिच काउंटिंग बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे हमने पहले किया था। ये एक और एग्जांपल है स्पाइरल एलोंगेटेड का। इसमें अगर आप देखें सेंटर बहुत डिस्टर्ब्ड है, टूटा हुआ है, इसे कई बार कह देते हैं इंप्लोडिंग वर्ल्स, लेकिन ये वर्ल्स भी हमने स्पाइरल एलोंगेटेड की कैटेगरी में लिए हैं और आप इसको इन्हीं तरह से एब्रीविएट करके यूज करें सॉफ्टवेयर के अंदर। रिच काउंटिंग बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस से होगी। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड टारगेटेड की। तो वर्ल्ड टारगेटेड और स्पाइरल में फ़र्क ये होता है कि स्पाइरल में जो आपकी रिज थी वो बार बार यू टर्न मारती रहती है, घूमती रहती है अपने ऊपर, एक दूसरे के ऊपर सर्कल करती रहती है। लेकिन अगर हम टारगेट की बात करें तो हमें कंसेंट्रिक सर्कल्स मिलते हैं, मतलब एक गोले के ऊपर एक और गोला, फिर उसके ऊपर एक और गोला, फिर उसके ऊपर एक और गोला। तो टारगेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कम से कम दो गोले ऐसे हों जो आपस में टच ना कर रहे हो। तो अगर आप इस फिगर को देखें तो ये गोले आपस में टच नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर उनके अंदर गैप है। तो अगर आपके अंदर पूरा टारगेटेड बना हुआ है उसके बाद चाहे स्पाइरल हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर एटलीस्ट दो सर्कल्स आपके अंदर सेंटर पे बने हुए हैं जो एक टारगेट की फॉर्म में है, तो हम उसे कहते हैं वर्ल्ड टारगेटेड। रिच काउंट सिमिलर प्रोसेस से होगा, दोनों तरफ से काउंट करें, जो बड़ा है उसको ले लें। ये एक और एग्जाम्पल है जो आपको बताने के लिए कि वर्ल्ड टारगेट क्या होता है। ये बिल्कुल आकार आप देखोगे फैले हुए होंगे, हर डायरेक्शन में ये गोल गोल फैल जाते हैं। ये भी वर्ल्ड टारगेट है जिसमें दो कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको सेंटर पर दिख रहे हैं और डेल्टा जो है वो येलो में हाईलाइट किए गए हैं। जो लाइंस हैं येलो लाइंस वो एक इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमें ड्रॉ करके देखनी पड़ती हैं कि रिच काउंटिंग क्या है। ये एक और एग्जाम्पल है वर्ल्ड टारगेटेड को एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड टारगेटेड इलॉन्गेटेड की। तो जो टारगेट था अब वो एक लंबा सा हो गया है, उसने टॉप टू बॉटम एक डायरेक्शन ले रही है, वो इसे खींच के इसने लंबा कर दिया है। तो इस फिगर में आप देखोगे ये लंबे नहीं है उतने, ये सर्कल की शेप में है, ये बहुत ज़्यादा जिसे किसी ने दोनों तरफ से दबा दिया हो, लेफ्ट राइट से प्रेस कर दिया हो, तो ये वो शेप ले जाते हैं। दोनों तरफ से रिच काउंटिंग करें, डेल्टा आप देख रहे हैं दो डेल्टा होंगे, दोनों तरफ से रिच काउंटिंग करें, जो बड़ा है उसको ले लें। ये एक और एग्जाम्पल है इलॉन्गेटेड की, अगर आप देखोगे लंबे हुए हुए हैं, बहुत प्रेस्ड लग रहे हैं आपस में। इससे जो हमारा मॉड्यूल 5 है वो खत्म हो गया है। इस मॉड्यूल में आपने देखा कि हमने फिंगरप्रिंट्स के अलग अलग पैटर्न देखे, हमने देखा कि एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है और अलग अलग पैटर्न्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनका रिच काउंटिंग कैसे करते हैं और इनको हम बाद में कैसे एनालाइज करके सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करेंगे। Thank you. Live healthy and wealthy.